हेलो गाइज़, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा कैन नॉट यूज़ दिस फोल्डर, जब भी आप अपने फाइल मैनेजर में किस फोल्डर को यूज़ करने की कोशिश करते हो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, आपको उनको सिंपली फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फाइल मैनेजर पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम फाइल मैनेजर पे जाते हैं और जिस फोल्डर में हम कॉपी या पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर एक बार ट्राई करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊँगा और सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊँगा। तो दरअसल ये प्रॉब्लम आती है आपने जो प्राइवेसी की वजह से, सबसे पहले हमें अपने डिवाइस की सेटिंग पर आ जाना है। अगर आपने अपने फाइल मैनेजर में ऐप लॉक लगाया होता है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हमें एक ऑप्शन देखेगा लॉक का, तो लॉक वाले सेक्शन पे आ जाना है ऐप लॉक पे। तो वहाँ पे सर्च कर लेना, वहाँ पे तो हम ऐप लॉक में आ चुके हैं अपने डिवाइस के। इसको खोलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन देखेंगे, तो आपको स्किप नहीं करना क्योंकि आपने ये स्टेप मिस कर दिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर ऐप लॉक पर आ चुके हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फाइल मैनेजर पे लॉक लगा हुआ है, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है हमें। तो हमें क्या करना है, इस जो लॉक है इसको ऑफ कर देना अपने फाइल मैनेजर से, तो इसको रिमूव कर देना है। जो हमने अपने ऐप लॉक लगाया अपने फाइल मैनेजर को, इसको रिमूव करने के बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेटिंग में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखे जाएगा हमें ऐप्स का, तो ऐप्स वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज ऐप्स का, तो ये सब करने के बाद हमें यहाँ पे मैनेज ऐप्स में आ जाना है। और मैनेज ऐप्स में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने ऐप को सर्च करना पड़ेगा फाइल मैनेजर को। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अनइंस्टॉल अपडेट्स का, तो इसकी जो अपडेट्स होगी उनको अनइंस्टॉल कर देना है और एक बार इसको अपने जो डिवाइस है उसको रिस्टार्ट करना है और फिर जो टास्क कर रहे थे आप वो करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।